एक छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मैं मेले में बहुत मस्ती करूँगा। वाओ, कितने सारे खिलौने हैं। आज तो बहुत मजा आएगा, पर लगता है ये सारे खिलौने मुझे मिल नहीं सकते। इनके लिए मुझे 3 टिकट्स खरीदनी होगी। अरे वाह, लुक तुम भी यहाँ हो। पहला चैलेंज है इन गेंदों को कैच करना। नीचे एक भी नहीं गिरनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ। मैं पकड़ लूंगा। मैंने पकड़ लिया। हाँ, मैं एक भी गिरने नहीं दूंगा। दूर जाके पकड़ूंगा। जल्दी जल्दी, स्विमिंग पूल में गिरने नहीं दूंगा। जल्दी से पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। ये मुझे पहली टिकट मिल गई। मतलब एक चैलेंज पूरा हो गया। अब दूसरी टिकट। अगला है बाइसिकल चैलेंज। इसे भी पूरा करूंगा। आसान लगता है। नहीं, मुश्किल लगता है। डर लग रहा है। कैसे करूंगा? पर यही तो चैलेंज है, अपनी डर से आगे बढ़ के चैलेंज को पूरा करना। और ये देखो, मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे मिलने वाला है मेरा इनाम, यानी कि दूसरी टिकट। देखो, मिल गई। मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा और टिकट मिल गई। दूसरा चैलेंज भी पूरा हुआ। अब है तीसरा चैलेंज, यानी हुला हूप चैलेंज। ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, गोलू मोलू हो ना इसलिए। चलो चलो, करता हूँ। अरे गिर गया। फिर से कोशिश करके देखता हूँ। कोई बात नहीं, ये देखो। अरे वाह, गोल 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 गोल। और फेंको, फेंकते रहो। बहुत बढ़िया, मैं नहीं रुकूंगा। तीसरा चैलेंज पूरा हुआ और टिकट मिल गई। तीनों टिकट मिल गई। अब टेडी बेयर भी मिल जाएगा। ये चलो। ये लो। अब बस देखना है कि नंबर्स मैच करेंगे या नहीं। काश मैच कर जाए। ये नंबर्स मैच हो गए, मैं जीत गया। अरे वाह, टेडी मिल गया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मेरा दोस्त टिम सब्जियां लाने वाला है। वो भी किचन में काम करेगा मेरे साथ। देखो, मोमो सब्जियां लेकर आ गया। अब हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। आज बनेगा सब्जियों का सूप, जो हम मिलकर खाएंगे। अरे, इसने तो पूरा खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रोकली है। अरे वाह, ब्रोकली तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसका सूप बनाकर पीने से हमें बहुत ताकत आती है। इसमें विटामिन्स होते हैं, जैसे ए सी ई। अरे मोमो, सूप को आराम से पियो। लगता है मोमो को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। अरे मेरा भी सूप खत्म हो गया। भाग जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से अपना कैरेट यानी गाजर का केक बनाऊंगा। पता है ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए। हमें गाजर खाना चाहिए। बन गया मेरा केक। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अरे वाह, केक, ये भी खा जाऊंगा। चलो अब साथ में कुछ स्पिनच यानी पालक का सैलेड भी बना लेता हूँ। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, इसका सूप भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरा सैलेड तो बन गया। इसे केक के पास रख देता हूँ और अब टिम को खाने के लिए बुला। अरे ये क्या आवाज थी? अरे मेरा केक और सैलेड दोनों गायब हो गए। ये कैसे हो गया? हाय केंट, मैं मटर लेकर आया हूँ, खाकर देखो कितनी मीठी है। हाँ सच में, चलो इसका कुछ बनाते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेते हैं। ये डाला नमक और घुमा दिया। हाँ, मैं एवोकाडो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम कितना कुछ लेकर आए हो। एवोकाडोस खाने से हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। इन्हें टमाटरों के साथ मिलाकर बढ़िया सा सूप भी बना सकते हैं और सैलेड में काट कर भी खा सकते हैं। एवोकाडो मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। चलो मटर के साथ इन्हें खाएं। अरे सारा खाना कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो रहा है? सारी सब्जियाँ नीचे क्यों पड़ी हुई हैं? चलो देखते हैं। आज तो बहुत खा लिया, पेट फट रहा है। तुम सब कुछ खा गए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छोटा सा एलिफेंट। आज बहुत गर्मी है। अच्छा, ये ठंडा जूस है। अरे ये भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे टिम, इतनी गर्मी है ना। अरे वो देखो, मोमो के पास आइसक्रीम है। चलो चलकर उसे मांगते हैं। हमें आइसक्रीम दे दो। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना मोमो, प्लीज हमें भी आइसक्रीम।
मोमो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। अरे ये क्या हो गया, आइसक्रीम तो गिर गई, अब हम क्या करेंगे? मोमो तुम्हें चोट लग गई क्या? नहीं लगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। लोग रुको, हमें भी आइसक्रीम खानी है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। लुक है हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब कहाँ भाग के जाओगे लोग, अब तो आइसक्रीम देनी ही पड़ेगी। नाराज मत हो, हम सब मिलकर खाएंगे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ, चलो सब मिलकर खाते हैं। मिलकर खाने में ही तो असली मजा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टीम की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा और ये चला जहाज कर 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 कर। वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा। उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थी। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था, और संतरे होते हैं नारंगी रंग के, और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी, और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मोमू के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं, जो बैंगनी रंग के होते हैं, और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं, जो कि लाल रंग की होती हैं। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा, कितने सुंदर है ना। पता है, सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया, जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया, गोल 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 गोल, बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी, और ये है रेड यानी लाल, और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट यानी सफेद, और ये देखो काले रंग का चमगादड़, और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग हैं। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं, और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।